पाकिस्तान की सियासी जमातों के इतिहाद से इंडिया बहुत खुश है। सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म होगी। इदारे अपने जुर्म को तस्लीम कर ले, कौम से माफी मांगे। इसके बगैर अब मामला तय नहीं हो सकते। जब भी मुदाखलत हुई है इदारों की तरफ से हुई है। इदारे क्यों अपने फराज से तजावुज करके अवाम के मामलात में मुदाखलत करते हैं? इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते, तसादुम से मुल्क नहीं चला करते। अपने दायरे इख्तियार से तजावुज करके मामलात में मुदाखलत करना, इससे मुल्क नहीं चला करते। अगर आप दिफा के पेशावराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, पाकिस्तान पर अपने इख्तदार जमाते हैं, आईन को पामाल करते हैं, मार्शल ला लगाते हैं, इख्तदार पर आप कब्जा करते हैं, इंतखाबात अपने कंट्रोल में कराते हैं, धांधलियां कराते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कलमे हक बुलंद करना ये हमारा काम नहीं तो और किसका काम हो सकेगा? ऐसे अल्फाज मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। वो इदारे जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर रात के अंधेरों में हमारी माएँ बहनें और आज अगर महफूज हैं तो इनकी वजह से, जो बॉर्डर पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अगर एक माँ का एक बेटा शहीद होता है तो वो माँ कहती है कि मेरा दूसरा बेटा भी होता तो इस वतन पर कुर्बान कर देती। ये वतन जो हासिल किया है, वो लोग बातें कर रहे हैं, वो भगौड़े हैं, वो जो इस मुल्क से भाग गए हैं, जिन्हें अदालतों ने मफरूर करार दे दिया है, जिन्हें अदालतें इश्तहारात के जरिए बुला रही हैं, जिन्हें डंडरों के जरिए बुलाया जा रहा है कि अदालत में हाजिर हो। पहले भी ये जमातें मिलकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर। वो एक फारग मौलाना जो इस वक्त बेकार है, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, जिसे अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। ये इमरान खान की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज वो बेरोजगार फिर रहा है, इधर फिर रहा है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। आप देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद आजम की मुखालफत की थी, कायद आजम को काफर आजम करार दिया था। ये पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। ये मुल्क जो हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था, हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बड़ों ने मुफ्ती महमूद, तुम्हारे बाप ने मौलाना फजल रहमान साहब, तुम्हारे बाप के ये अल्फाज तारीख के कागजों में नोट है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? तुमने आज तक कभी कायदे आजम को खराज तहसीन पेश किया है? तुमने इलामा इकबाल को कभी खराज तहसीन पेश किया है? जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने खून की नदियां बहाने के बाद ये मुल्क हासिल किया है। ये मुल्क जो है अल्लाह की नेमत है, दुनिया के बाद ये वाहद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है। क्योंकि अवाम जो है आपको 40 साल तक देख चुके हैं, इन पटवारियों को की हरकतों को देख चुके हैं। इन्होंने पूरा मुल्क लूटा है, इन्होंने इस मुल्क को खोखला कर दिया है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। हमारे आने वाली नस्लें जो आ रही हैं, जो तालीम हासिल कर रही हैं, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उन बेचारों के लिए रोजगार नहीं है। इनके बच्चों के लिए लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ किया भी नहीं, तालीम भी हासिल नहीं की, वहाँ दौलतें लूट कर ले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सोहेब नसीम। अपोजिशन ने आज गुजरांवाला में एक जलसा किया है जिसमें उनका कहना है कि हमने हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया है। तो अभी मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ जहाँ मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपोजिशन ने आज जो जलसा किया है उसमें उनका कहना है कि हम इस हुकूमत का बहुत जल्द धड़न तख्ता कर देंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज का जो जलसा हुआ है मैं तो देख रहा था, बल्कि मैंने मुशाहदा किया है, 10-15 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं थे। यानी ये जमातें, सारी जमातें मिलके, हालांकि इनमें से एक जमात कहती थी कि गुजरांवाला डिवीजन जो है हमारी ताकत है, हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूत और हमें यहीं से मैंडेट मिला है, लेकिन सब जमातें मिलकर 10-15 हज़ार से ज़्यादा आदमियों को इकट्ठा नहीं कर सकी। ये हुकूमत को क्या गिराएंगी? ये तो खुद एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खुशामदे करते रहते हैं कि किसी तरह हमें NRO मिले। अब आपके सामने है ये, आप जानते हैं कि अभी ये ज़ुबैर जो है असद उमर का भाई PTI का, ये हुकूमत के पास गया, आर्मी के साथ मिला और वहाँ ये रिक्वेस्ट की कि मरियम और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए, इनको NRO दिया जाए। उन्होंने ये कहा कि हम कतन इस मसले में नहीं पड़ेंगे, ये हमारी अदालतों का काम है कि वो इंसाफ करें,
वो अगर आपको बरी करती हैं, वो अगर आपको इन इल्जाम से बरी करार देती हैं, तो फिर ठीक है, हम इस मसले में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये अदालतों का काम है। अब तमाम इदारे आइन के अंदर अपने अपने दायरे कार के मुताबिक काम करेंगे। एक आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसमें मुतय्यन किया गया है, अब आइन पे अमल होगा। ये नहीं होगा कि आर्मी उनमें दखल दे और अदलिया इधर दखल दे। ये तीनों इदारे जो किसी मुल्क की असास होते हैं, किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो अदलिया, पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के बनती है। अब तीनों इदारे जो हैं अपने अपने दायरे कार के अंदर काम करेंगे, कोई इदारा जो है अपनी हदूद से बढ़कर दूसरे इदारे के अंदर नहीं जाएगा। इनका जलसा तो बिल्कुल जलसा नहीं, एक जलसी थी। इतना बड़ा डिवीजन गुजरांवाला और फिर उसके अंदर गुजरांवाला शहर जो है, इसके अंदर 40-45 लाख की आबादी है, 10-15 हज़ार जनसियाँ कह रही हैं, ये जो रिपोर्टें आ रही हैं मैंने तो खुद देखा है, छोटा सा लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। ये इतनी जमातें मिलकर कुछ भी नहीं कर सकी, तो आप आइंदा क्या करेंगी। पहले भी ये जमातें मिलकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर, वो एक फारक मौलाना जो इस वक्त बेकार है, जिसे आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, जिसे आवाम ने मैंडेट नहीं दिया। ये इमरान खान की हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज वो बेरोजगार फिर रहा है, इधर फिर रहा है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। वो इन सब को मिलाकर वो ये चाहता है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इस निज़ाम को लपेट दिया जाए। भाई निज़ाम जो है चलता रहेगा, जमहूरियत चलती रहेगी। अवाम अगर ने आपको शिकस्त दी है तो आप शिकस्त तस्लीम करें, अगर आप जमहूरियत पसंद लोग हैं तो जमहूरियत तस्लीम करें। अब आप सब जमातें इकट्ठे होकर हुकूमत को गिराने के लिए चली हैं, ये आपकी खाम ख्याली है। आप जब इस्लामाबाद चढ़ाई की थी उस वक्त भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी नाकाम होंगे, क्योंकि अवाम जो है आपको 40 साल तक देख चुके हैं, इन पटवारियों को की हरकतों को देख चुके हैं। इन्होंने पूरा मुल्क लूटा है, इन्होंने इस मुल्क को खोखला कर दिया है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। हमारे आने वाली नस्लें जो आ रही हैं, जो तालीम हासिल कर रही हैं, जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उन बेचारों के लिए रोजगार नहीं है। इनके बच्चों के लिए लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ किया भी नहीं, तालीम भी हासिल नहीं की, वहाँ दौलतें लूट कर ले गए हैं। भाई ये पाकिस्तान के रहने वाले 2 करोड़ आवाम, इनके बच्चे भी जो हैं पाकिस्तानी बच्चे हैं। सर इनका कहना है कि हम जो है ये मुल्क बचाने के लिए निकले हैं, इमरान खान ने जो है महंगाई का सैलाब यहाँ पर जो है वो ले आए हैं, तो इनका कहना है हम सारी जमातें जो है सिर्फ अपने जो है मुल्क को बचाने के लिए निकले, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सारी जमातें जो है ना, इस वक्त उन्होंने एक बहाना लगाया है कि ये तो मैं मानता हूँ कुछ हद तक महंगाई है, हुकूमत को चाहिए इस पर भी तवज्जो दे, लेकिन इसमें बात यह है कि वो लोग हैं नीचे, वो तबका है जो इन्हीं का परवरदा है, उनकी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं, वो जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं कि इन चीज़ों को बढ़ाया जाए, ताकि इस वक्त हम तहरीक चला रहे हैं, अवाम की हमदर्दी हासिल की जाए। लेकिन इंशाल्लाह ये लोग जैसे माजी में नाकाम हुए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगे। इन्होंने करप्शन किया, ये करप्ट लोग हैं, या महंगाई का सहारा लेकर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाम हो गए। मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में इनके दौर में 15 खरब 67 करोड़ जो है करप्शन थी, जिसे इमरान खान जो है अब 270 तक ले आया है। उसने हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो 85% तक कम कर दिया है। उसने और भी बहुत सी चीज़ें की है, उसने 5000 अरब तक का कर्जा मुल्क का जो है वापस कर दिया है, और बहुत कुछ कर रहा है। अब आप देखें उसने तजारती खसारा जो है, हमारी बरामदात का जो खसारा जो था वो 37 अरब था, उससे कम करके 23 अरब तक ले आया है। और क्या करें, टूरिज्म को फ़रोग हो रहा है। आप देखें उसने जो ये कोरोना दुनिया में आया था, दुनिया की पूरी मईशत तबाह हो गई थी, उसने जो किया है, उसने जो लॉकडाउन की पॉलिसी की थी उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, पूरी दुनिया में उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि ये वाहद मुल्क है जिसने कोरोना से निपटने के लिए इंतहाई अच्छी पॉलिसी इख्तियार की, ताकि गरीब का रोज़गार भी चलता रहे, गरीब का चूल्हा भी चलता रहे। और ये लोग जो हैं अब उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। भाई इसके दौर में डैम बनने शुरू हुए हैं, बहुत कुछ हो रहा है महंगाई का। भाई इंशाल्लाह महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, ये होना चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझ के जो शरारतें कर रहे हैं इनसे इंशाल्लाह निपटा जाएगा। आवाम जो है इन लोगों के अजाइम को समझते हैं, ये कभी भी, ये असल में निकले हैं, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं मार्च में, इनको अब ये डर है कि मार्च में अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान को सेनेट में भी अक्सरियत हो जाएगी,
और फिर उन्होंने हमारी जो है कुछ मुल्क में एक्ट पास करने के लिए, कानून पास करने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए वो साजिश कर रहे हैं कि इस हकूमत को गिराया जाए, इस हकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये हकूमत को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ये कह रहे हैं हम इस्तीफे दे देंगे। भाई इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे दो, नए इलेक्शन करा लिए जाएंगे, यही जमहूरियत है। हम तो जमहूरियत चाहते हैं, ताकि आप जैसे गंदे अंडे जो एक टोकरी में इकट्ठे हो गए हैं, इनको ठोकर मारकर फेंक दिया जाए और नए आए, अच्छे लोग आए, ताकि मुल्क आगे बढ़े और मुल्क तरक्की करे। हम जो आगे बढ़ रहे हैं। आइए और दूसरा, मौलाना फजलुर्रहमान ने कहा है कि ये हुकूमत का खात्मा 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा। उनका कहना है कि 1 जनवरी का सूरज जो है ये हुकूमत जो है वो नहीं देखेगी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बात यह है कि मौलाना जो है ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। मौलाना तो उस वक्त से ख्वाब देख रहे हैं जब ये हारे थे और कहते थे असम्बलियों से हम कल इस्तीफे दे रहे हैं। भाई ये ख्वाब देख रहे हैं, जनवरी पहले भी इन्होंने कहा था, जब धरना दिया था ये दिसंबर में चले जाएंगे, अब ये मार्च में चले जाएंगे, ए बी सी डी प्लान बनाए, लेकिन कहाँ है वो प्लान? अब फिर लोगों को धोखा देने के लिए मैदान में आ गए हैं। आप देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायदे आजम की मुखालफत की थी, कायदे आजम को काफ़र आजम करार दिया था, ये पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। ये मुल्क जो हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था, हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। यह आप कहते हैं कि आप मौलाना अली की मैं तकरीर सुन रहा था, इनको तो आलम कहते हुए मेरा दिल जो है, यकीन करें अब ये लफ्ज़ लगाते हुए है आलम, लेकिन यह है उसका करदार आलमों जैसा नहीं, उसकी ज़बान में तासीर नहीं। उस दिन कह रहा था जैसे इमरान खान का इक्तदार ऐसे ही है जैसे इसकी औलाद हराम की है। और ये भाई आलम आदमी हो, कुछ ज़बान तो अच्छी इस्तेमाल करो, ताकि आपकी ज़बान सुनकर लोग जो है मुतासर हों। जो मुसलमान थे, जो बड़े बड़े आलम थे, उनकी ज़बानों के अंदर इतनी तासीर होती थी कि लोग उनकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते। भाई तुम लोगों ने तो पाकिस्तान की मुखालफत की थी, इमरान खान तो वो आदमी है, उसको यहूदी कहते हो, उसको हिंदू का एजेंट कहते हो। उसने जो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है, पूरी दुनिया कह रही है उसने वो तकरीर की है जिसे सुनकर यहूदी और हिंदू भाग गए थे। वो असम्बली में बैठने गुवारा नहीं किया था। अगर वो यहूदी होता, हिंदू होता, तो बैठते खुश होते, हमारा बंदा तकरीर कर रहा है। वो तो उसका, उसने जब इनको ललकारा, उसने कहा कि हम मुसलमान जो हैं किसी से डरने वाले नहीं, हम तुम्हारी ताकत से महरूब नहीं होंगे, कि तुम अगर ताकतवर बन के कश्मीरियों पर जुल्म करोगे तो हम ये कबूल नहीं करेंगे। अब भी अभी पिछले दिनों इन्होंने तजवीज़ पेश किया है कि आओ हिंदुस्तान ने, क्या हमारे साथ बात करो। इमरान खान ने कहा है क्या बात होगी तो तीन फरीकों के दरमियान होगी, कश्मीरी भी फरीक है, पाकिस्तान भी फरीक है, इंडिया भी है, तीनों मिलके बैठेंगे और इसका हल निकालेंगे। लेकिन हम अगर ये समझते हो कि पाकिस्तान सर झुका देगा, तो पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो जान दे देंगे। वो पाकिस्तान जो इन्होंने बनाया था इस पाकिस्तान को बचाने के लिए भी, वो अब लोग जो है तुम लोगों को जैसे तहरीक पाकिस्तान के दौरान लोगों ने शिकस्त दी थी, तुम लोग उनको शिकस्त दी और पाकिस्तान बनाया। तुम्हारे बड़ों ने, मुफ्ती महमूद, तुम्हारे बाप ने, मौलाना फजल रहमान साहब, तुम्हारे बाप के ये अल्फाज तारीख के कागजों में नोट है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? तुमने आज तक कभी कायदे आजम को खराज तहसीन पेश किया है? तुमने इलामा इकबाल को कभी खराज तहसीन पेश किया है? जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने खून की नदियां बहाने के बाद ये मुल्क हासिल किया है, ये मुल्क जो है अल्लाह की नेमत है, दुनिया के बाद ये वाहद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, और जिस जो एक एटमी ताकत है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान का एक मुकाम है, और इंशाअल्लाह ये रहेगा। तुम्हारे लोगों की साजिश नाकाम होगी और तुम हुकूमत को नहीं गिरा सकते। मैं चैलेंज से कहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नाकाम बना देंगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। तुम्हारा पहले धरने की तरह, तुम्हारा धरने की तरह ये अजायम भी नाकाम होंगे। आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस्तीफे दे देंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब उस दिन बता रहे थे कि इन्होंने कहा मुस्लिम लीग ने कि हमारे 84 अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे दे देंगे। उन्होंने कहा कौमी असम्बली के अरकान जो है वो इस्लामाबाद की 3-4 सेनेट की सीटों का इंतखाब करते हैं, अगर उसमें से 84 कम भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, उस पर इलेक्शन भी हो सकते हैं। सेनेट के इलेक्शन जो है वो चारों सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता, अगर इस्तीफे देने हैं तो इधर से इस्तीफे दो, तुम्हें पता चले, तुम्हें ये पता चले कि किस भाव बिकती है। पीपल पार्टी जो है, मैं उसको खराज कुछ उनकी, मैं कहता हूँ इनकी नस्बत जो है सोच कुछ अच्छी है, वो अच्छे तरीके से पत्ते खेल रहे हैं। उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है,
उनके अंदर सिंध के अंदर हुकूमत है, वो कैसे इस्तीफा देंगे? आपको मालूम है कि एक MNA होने के लिए इंसान को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो क्यों इस्तीफा दें? भाई आप लोगों के पास तो कुछ नहीं, आप तो मतलब ना पंजाब में है ना मरकज में है, वो बेचारे क्यों इस्तीफा दें? इंशाल्लाह वो समझदार लोग हैं, बल्कि मुझे तो इत्तेजाज की यह बात बड़ी अच्छी मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी मालूम होती है। उसने कहा है कि मुस्लिम लीग पे एतबार नहीं करना, ये अगर आप करेंगे ये आपको मिला के गवर्नमेंट पे प्रेशर इदारों पे डालने की कोशिश करेंगे और NRO लेके भाग जाएंगे। ये लोग इसी चक्कर में है कि हमारा प्रेशर पड़े और हम NRO लें। सर जो आज जो इदारों के खिलाफ जो मुल्क की हसास इदारे हैं उनके खिलाफ जो तकरीर की गई हैं, तो आपके ख्याल से ये किसी मुहिब्बे वतन शहरी की ऐसी तकरीर हो सकती है? मैं तो कहता हूँ, मैं तो पहले भी बताया है कि वो लोग पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, ये हिंदू के हाथ में खेल रहे हैं, उनसे ये हिंदू के मकासद। जो मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की गई जलसे में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा यकीन कर मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है, ऐसे अल्फाज मुल्की इदारों ने के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, वो इदारे जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर रात के अंधेरों में हमारी माएँ बहनें और आज अगर महफूज हैं तो इनकी वजह से, जो बॉर्डर पे कुर्बानियां दे रहे हैं, अगर एक माँ का एक बेटा शहीद होता है तो वो माँ कहती है कि मेरा दूसरा बेटा भी होता तो इस वतन पे कुर्बान कर देती, ये वतन जो हासिल किया है। वो लोग बातें कर रहे हैं, वो भगोड़े, वो जो इस मुल्क से भाग गए हैं, जिन्हें अदालतों ने मफरूर करार दे दिया है, जिन्हें अदालतें इश्तहारात के ज़रिए बुला रही हैं, जिन्हें डंडोरों के ज़रिए बुलाया जा रहा है कि अदालत में हाज़िर हो।